हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे गेस क्वेश्चन मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट टू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था गेस क्वेश्चन जो था आपका पेपर थ्री के लिए जाना था, जो कि बीएससी पार्ट टू का था आपका, पेपर थ्री के लिए हमने जाना था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पेपर थ्री के लिए नहीं बल्कि पेपर फोर के लिए हम लोग देखेंगे बीएससी पार्ट टू मैथमेटिक्स नर्स, ठीक है। गेस क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एकदम एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले कुछ एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे एंसर एनी सिक्स क्वेश्चन सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन फ्रॉम ईच ग्रुप, देखिए कह रहा है आपको एंसर एनी सिक्स क्वेश्चन का आपको यहाँ पर देना है, और वो भी क्या करना है, सेलेक्टिंग एट लीस्ट आपको एट लीस्ट यहाँ पर वन क्वेश्चन जो है फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि प्रत्येक ग्रुप से एट लीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन होना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए, आपका यहाँ पे टोटल फोर ग्रुप होते हैं, आपको पेपर फोर के अंदर फोर ग्रुप होता है, ठीक है। और प्रत्येक ग्रुप से कम आपको एक क्वेश्चन बनाना है, यानी कि प्रत्येक ग्रुप से अगर आप एक एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन फोर हो जाएगा, और बाकी जो दो क्वेश्चन आपका बच जा रहा है वो आप किसी भी ग्रुप के अंदर से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन को समझ लिया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं फुल मार्क्स जो होता है आपका, फुल मार्क्स होता है 100 नंबर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पेपर फोर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर फोर को यहाँ पे जान जाएँ, पेपर फोर को हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ग्रुप ए में आपका पढ़ना है हम लोगों को वेक्टर कैलकुलस। ग्रुप जो ए है उसके अंदर आपका जो बुक आता है वेक्टर कैलकुलस आता है, और वेक्टर कैलकुलस से आपको टोटल थ्री क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन जो होता है ए और बी करके फॉर्म में आता है। जब जो भी आपका क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 करके 11 12 जितना भी टोटल जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में ए और बी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन का ए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सो डैट ए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन डैट द थ्री नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बी कोप्लेनर इज, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर वन का ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन का बी। प्रूव डैट वेक्टर ए यहाँ पे क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लाई का यहाँ पे चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और यहाँ पे प्लस वेक्टर बी और ब्रैकेट के अंदर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको आप लोगों को प्रूफ डेट करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहले देख रहे हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा, उसके बाद में हम लोग इसके आंसर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का ए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सो डैट नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन वेक्टर ए क्वेश्चन में टी टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज वेक्टर ए डॉट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होता है डी वेक्टर ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक कॉपी लीजिए, और जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है, और उसको आप अपने से बनाने का सॉल्व कीजिए उसको, और उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। बाद में उसका हम लोग आंसर भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर राइट डाउन नहीं करिएगा, इस वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप इसको सबसे पहले अपने कॉपी पर लिखिए, जैसा हमने लिखा है ग्रुप ए ग्रुप बी, ऐसे करके आपको टोटल चीज़ लिख लेना है अपने कॉपी पे। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का बी देखते हैं। इवैल्यूएट
यहाँ पे डी बाई डी आर और यहाँ पे कोस्ट में वेक्टर आर, यहाँ पे डी बाई डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी, इसको आप लोगों को इवेल्युएट करके दिखाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो सिर्फ वेक्टर से ही इसमें क्वेश्चन होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखते हैं, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स 2i + 3j + k पासिंग थ्रू, यहाँ पे पासिंग थ्रू दिया हुआ है 1 1 1, विच आर पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 4j, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स 2i + 3j + k पासिंग थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है और विच इज पैरेलल टू वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर जो पैरेलल है वो भी दिया हुआ है और पासिंग थ्रू भी दिया हुआ है, आपको फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स इतना का फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रूव CURL, ठीक है, क्यूरल, यहाँ पे फाई वेक्टर ए इज इक्वल टू फाई क्यूरल वेक्टर ए प्लस ग्रेडियंट यहाँ पे डॉट फाई क्रॉस ए, इसको आप लोगों को प्रूव डेट करके इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर इसका बनाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था टोटल आपका ग्रुप ए का वेक्टर कैलकुलस का जो टोटल मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल एग्ज़ाम में इसमें से आएगा ही आएगा। चलिए तो अब हम लोग ग्रुप बी देखते हैं। तो ये रहा आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर आप लोगों को जो बुक पढ़ना है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल इससे भी आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 4 का हम लोग ए देखते हैं। सोल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जितना भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से आपको 2 यानी कि 2 आपको उसका आंसर देना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि x² + y² (dy/dx = 2xy, ये जो आपका क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन है x + y² (dy/dx = 2a² या फिर जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें से आप किसी ए बी सी और डी, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर राइट डाउन कीजिए। देखिए इसमें से आप लोगों को किसी भी 2 का आंसर देना है। देखिए ये जो कह रहा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक होता है बेसिकली उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पे पूरा पकड़ होना चाहिए। ये ज़रूर नहीं है कि ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसी पैटर्न के अनुसार आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे dy/dx फाइंड करना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमें दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, जो क्वेश्चन आपका 4 है, 4 के अंदर ए और बी नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसमें से ए और बी करके यानी कि जो 4 आपको दिया हुआ है इसमें से कोई आपको 2 बना देना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए कह रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स x² + y² = 2ax ईच ऑफ विच टचेज द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द ऑर्थोगोनल टेंजेंसी आपको फाइंड करना है और यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्किल भी दिया हुआ है और टच कर रहा है वाई एक्सिस को ओरिजिन पर, ठीक है। चलिए हम लोग 5 का बी देखते हैं। 5 का बी जो है आपका सोल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जितना भी नीचे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा है सेम वैसा ही आपका 5 का बी है, यानी कि जितना भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 4 ए बी सी डी करके इसमें से आपको 2 किसी को बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y = px - p² + p, जैसे कि y = 2px + y² pq, यानी कि जितना भी यहाँ पे 4 दिया हुआ है इसमें से आपको किसी भी 2 का आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए जितना भी हम बताते जा रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिखते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सोल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जितना भी नीचे इसमें दिया रहेगा उसमें से आपको 2 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, किसी भी 2 का दे सकते हैं, ऊपर से या फिर नीचे से या फिर बीच में से किसी भी का आप 2 का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है d² y / dx² - 2dy/dx + y = x²
डी का पावर 3x, इसको आप किसी भी दो का आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ग्रुप बी भी समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी को, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर आपको पढ़ना है स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स से आपको ग्रुप सी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिक्स से भी आपको एग्ज़ाम में टोटल 3 क्वेश्चन एग्जाम में के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 7 का ए कह रहा है प्रूव दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स एट एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट एंड पॉइंट इन द प्लेन टूगेदर विथ ए कपल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कर रहा है प्रूव डैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्सेज एट एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट इन द प्लेन टूगेदर विथ ए कपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ डेट करके दिखाना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप यूज करके वीडियो को पॉज करके इसको भी लिखते जाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 7 का क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, ठीक है। टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर एंड पी के पावर डैश क्यू के पावर डैश आर के पावर डैश एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी प्रूफ डेट करना है देयर रिजल्टेंट विल बी पैरेलल इफ, ठीक है। यहाँ पे जो पी क्यू आर एंड पी डैश क्यू डैश आर डैश एक्ट अलोंग जो है आपका साइड्स जो इसका होगा पी बी सी सी ए और ए बी ट्रेंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ डेट करना है आपको रिजल्टेंट जो होगा पैरेलल होगा यदि ये दिया हुआ है क्यू आर के पावर डैश माइनस क्यू डैश आर साइन ए प्लस आर पी डैश माइनस पी आर डैश साइन बी पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू साइन सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को प्रूफ डेट करना है रिजल्टेंट पैरेलल दिया हुआ है इतना कह दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ठीक है। तो चलिए 8 का बी ए यहाँ पे सॉरी हम लोग पहले 8 का ए देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, यहाँ पे आपको स्टेट एंड प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखते हैं। द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए जॉइंटेड क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट, ठीक है। और यहाँ पे रूट्स ऑफ लेंथ एल एंड एल डैश इफ टी एंड टी डैश बी टेंशन इन दिज रूट्स प्रूव डैट करना है टी बाई एल प्लस टी डैश बाई एल इज इक्वल टू जीरो, इसको आप लोगों को प्रूफ डैट करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का ए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का ए जो है कह रहा है डिफाइंड कॉमन कैटेगरी इस्टेब्लिश द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू सी लॉग टेन साई प्लस सिक्स आई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कॉमन कैटेगरी इस्टेब्लिश द फॉर्मूला जो है आपका ये, इसको आप लोगों को डिफाइन करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9 का बी देखते हैं। ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन कॉन्टेगरी इन द फॉर्म वाई इज इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी, ठीक है। इसको आप ड्राइव करना है जो कॉमन कैटेगरी जो है जो फॉर्म इसके फॉर्म यानी कि इसके रूप में होगा, इसको आप लोगों को ड्राइव करके दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ग्रुप सी भी समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप डी को। ये रहा आपका लास्ट जो आपका ग्रुप होगा ग्रुप डी। ग्रुप डी के अंदर आपको डायनेमिक्स पढ़ना है। डायनेमिक्स जो होता है इससे भी आपको टोटल 3 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल आपको पेपर 4 के अंदर 4 बुक पढ़ना है, ठीक है। और प्रत्येक बुक से 3-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का ये देखते हैं। कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन हॉकिंस, ठीक है, लॉ, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू डबल्स इट्स लेंथ, ठीक है। यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है हॉकिंस लॉ को और फाइंड द वर्क डन और यहाँ पे एक्सटेंडिंग लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू डबल इट्स
लेंथ को, इसको आप लोगों को स्टेट एंड एक्सप्लेन करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन ओ ए स्टार्टिंग फ्रॉम रीसेट, ठीक है, एट ए एंड मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड ओ एंड वेरियस एज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ डिस्कस द मोशन, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओ ए स्टार्टिंग फ्रॉम रीसेट एट ए, ठीक है, ए से स्टार्ट कर रहा है और मूविंग विथ एक्सीलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड ओ, ठीक है, एंड वेरियस एज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ डिस्कस द मोशन, इसके मोशन को डिस्कस करना है आप लोगों को एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है। 11 का ए कह रहा है फाइंड द रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व इन ए प्लेन। यहाँ पे रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन को फाइंड करना है और पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व इन ए प्लेन के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 10-11 का बी देखते हैं। कह रहा है स्टेट एंड प्रूव कीपलर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एंड डिड्यूस कीपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे स्टेट और प्रूव करने को कह रहा है कीपलर्स लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है, और यहाँ पे डिड्यूस करना है कीपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसको हम लोगों को कीपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे आप लोगों को स्टेट एंड प्रूव करना है, ठीक है। चलिए और हम लोग लास्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 का 8, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ ए रिजिड बॉडी, यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव करना है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 12 का बी देखते हैं। आपको डिफाइंड करना है SHM को, यहाँ पे SHM क्या है इसको आप लोगों को डिफाइंड करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका टोटल 12 क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि मस्ट VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निश्चित है कि एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार आपका द एंड होता है। चलिए अगर आप लोगों को इस जितना भी हमने क्वेश्चन बताया है इसको आप चाहते हैं वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास, ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इस यूट्यूब चैनल पे आपको BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रत्येक क्लास का आप लोगों को एक एक चैप्टर, एक एक बुक को वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।